ठीक है। अरे वाह, आज तो नोबिता बहुत ही पढ़ाई कर रहा है। पता नहीं इसे क्या हो गया। तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा थक गया है? लगता तो ऐसा ही है। वो तो सिर्फ किताब खोलकर बैठा हुआ है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। कम से कम वो अपनी कुर्सी पर तो बैठा हुआ है ना। अरे नहीं, अब तो ये सो भी गया। ये ठीक नहीं है, मैं उसको उठाने जा रहा हूँ। खेलने का टाइम। अच्छा ये बात है, तो इसलिए बार बार टाइम देख रहे थे। देखो नोबिता तुम। डैड आपको क्या हो गया है? आप मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम पर गुस्सा नहीं करूं तो फिर क्या करूं? मैं तब से तुम्हें देख रहा हूं, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। मैं कहता हूं नीचे बैठो और मेरी बात सुनो। देखो नोबिता, देखो तुम हमेशा डेस्क पर बैठकर टाइम बर्बाद करते रहते हो। किताब खुली तो रहती है लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, क्या बात है? 5 मिनट, आपके पास 5 मिनट है, जो बोलना है बोल लीजिए, फिर डैड मुझे खेलने के लिए जाना है। क्या कहा? तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। तुम्हें हो क्या गया है नोबिता, जवाब दो मुझे। बिल्कुल नहीं पढ़ता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। डोरेमोन तुम चुप रहो। हाँ डैड बोलिए। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम उन चीजों से भागते रहते हो जो तुम्हें ज्यादा परेशान करती हैं। तुम्हें कठिनाइयों का सामना बड़े धैर्य के साथ करना चाहिए, उनसे डरकर दूर नहीं भागना चाहिए, समझे? डोरेमोन, तुम हमेशा बिना सोचे पानी की तरह नीचे ही बहते जा रहे हो। नोबिता मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं? समझ रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें उस वीर योद्धा की कहानी मालूम है जो वो चंद्रमा की पूजा किया करता था? वो बहुत ही निडर था और हर कठिनाई का सामना बहुत ही बहादुरी से किया करता था। हाँ। अब मैं तुम्हें एक कविता सुनाता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है? कविता? ओ बुरी किस्मत, शक्ति है सीमित, पर लड़ता रहूंगा मैं जब तक बाकी है मुझ में थोड़ी सी भी ताकत। नोबिता डैड कितना अच्छा गाते हैं ना। इस कविता का मतलब समझे? मुझे तो नहीं समझ आया। तो मुझे कैसे आएगा? इसका मतलब है कि मुसीबत कितनी भी हो और मेरे पास शक्तियाँ कितनी भी कम हो, मैं उनका निडरता के साथ सामना करूँगा। अब समझे? हाँ थोड़ा थोड़ा। मुझे तो समझ आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता नोबिता को कुछ भी समझ में आया है। ऐसा है तो मैं फिर से तुम्हें समझाता हूँ। हमें चिंताओं और मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। हमें हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने नोबिता। हमें अपनी जिंदगी को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। पापा, पापा आप महान हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी। देखिएगा आज से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा पापा। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई। बात समझ आई तो ठीक है, लेकिन रो क्यों रहे हो? ये सब छोड़ो डोरेमोन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी एक अच्छा इंसान बनने में। हाँ, अब तुम्हें क्या चाहिए? एक गैजेट चाहिए जो मुझे बेहतर बनाने में मदद करे। तुम मुझे वो दोगे ना मेरे दोस्त? मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत करने के लिए मुश्किलें होनी चाहिए। हा? और जब मुश्किलें होंगी मैं उनका डट कर सामना करूंगा ताकि एक बेहतर इंसान बनूं। मिस्री माइसो, ये लो। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है नोबिता, इसकी वजह से अब तुम्हारी जिंदगी में कदम कदम पर कठिनाइयाँ आएंगी। तुम चिंता मत करो, मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ, पर सबसे पहले मुझे खाना खाने की जरूरत है। खाना शुरू करो नोबिता। खा के देखो। ठीक है, टेस्टी लगता है, खा के देखता हूँ। खाना शुरू करते हैं। खाने से पहले हाथ जरूर धो लिया करो नोबिता। मैंने कहा था ना, अब तुम्हारे लिए कोई भी काम आसान नहीं होगा। मुझे यकीन है तुम मेरी बातों पर अमल करोगे नोबिता। हाँ डैड, मैं ऐसा जरूर करूँगा। हाथ धोने में क्या है, देखो बस धुल गए। बंद कर देता हूँ। नोबिता, तुम्हें हमेशा साबुन से हाथ धोने चाहिए। ठीक है। हाँ, साबुन तो है ही नहीं। अरे नहीं, साबुन तो खत्म हो गया है, तुम बाजार से खरीद क्यों नहीं लाते? क्या नोबिता, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें जो जो सिखाया? आप घबराइए मत पापा, मुझे सब कुछ याद है। मैं जा रहा हूँ। नोबिता जरा रुकना, मुझे पता है तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर रास्ते से क्या तुम ओहाटा के घर से मेरा गोल्फ बैग ले आओगे? याद है ना, मुश्किलें इंसान को बेहतर बनाती हैं।
ठीक है, मैं भी कहाँ फंस गया। अब मैं कौन से रास्ते से जाऊँ जहाँ मुश्किलें कम मिलेंगी। ये रास्ता ठीक रहेगा। अरे ये क्या, यहाँ तो सारी दुकानें बंद है। अब मैं साबुन कहाँ से खरीदूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कहीं से भी साबुन ढूंढ निकालूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं घर साबुन लेकर ही जाऊंगा। अरे एक दुकान खुली है। ये, मैं जीत गया। मैंने साबुन खरीद लिया है। अब मुझे बस डैड का गोल्फ बैग अंकल से लेना है। मैंने तुम्हारे डैड का गोल्फ बैग बहुत ही संभाल कर रखा है। रुको अभी देता हूँ। ये रहा, ये लो, ये मेरी तरफ से उनके लिए गिफ्ट भी है। क्या तुम उन्हें ये दे दोगे प्लीज। ये तो बहुत भारी है, बहुत दर्द हो रहा है, पैर दुख रहे हैं। पर पापा ने कहा था बेहतर इंसान वही होता है जो हर मुश्किल का डट कर सामना करता है, और मैं वही करूँगा, बस थोड़ा सा और। वाह, तुम इतनी मेहनत करते देख मुझे खुशी हो रही है। धीरे धीरे खाओ ना नोबिता। इन्हें खाकर अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है। क्यों? पर ये इतना ज्यादा मीठा भी नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या डैड? पर आपको क्या लगता है, खाने के लिए इतनी मेहनत करना जरूरी था? खाना तो मैं रोज खाता हूँ, पर रोज मेहनत थोड़ी करता हूँ। पता नहीं ये भी कैसी कैसी बातें करता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। डैड आप इसे क्यों नहीं खाते? फिर आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें बढ़ेंगी और आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। ये मुझे दो। डैड मैंने तो थोड़ा सा खाने के लिए कहा था। अरे नहीं, माचिस भी खत्म हो गई। यहाँ पर देखो, यहाँ होगी। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर भी आपको माचिस मिलेगी। पता नहीं ये क्या हो रहा है। डैड आज सारी दुकानें बंद है, मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी माचिस मिलेगी। कोई बात नहीं, स्टेशन के पास जो दुकान है वहाँ सब चीज मिलती है। ये बारिश कहाँ से आ गई? मुझे नहीं लगता आपको इस मौसम में बाहर जाना चाहिए। रहने भी दीजिए, माचिस कल सुबह ले आइएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, समझे? जब एक बहादुर आदमी कुछ करने की ठान लेता है तो फिर वो हार नहीं मानता। आप तो पूरे भीग गए। पर आपको माचिस मिली क्या डैड? परेशानी कितनी भी आ जाए पर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है डैड अपने काम में सफल होंगे? गैजेट का असर कब खत्म होगा? तुम लोग देखना, मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। मुझे याद आया, मैंने अपने कमरे में माचिस रखी हुई थी, ले आऊं क्या?